शुरू होगी। शुरू है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सबसे पहले अपने गुरु पाद पर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत भक्ति वेदांत शिव श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव ओम नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरशत भक्ति वेदांत स्वामी श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता। आप सभी वैष्णव को दंडवत अर्पण करता। गुरुदेव का आदेश है कि जो प्रथम स्कंद है उसको एक बार दोबारा से रिपीट करें। तो तीसरा मंगलाचरण जहां से हमारी कथा शुरू हुई थी वो मंगलाचरण उस पे थोड़ा सा बोल। निगम कल्पतरोरुगलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भूमिभावुका। इसमें जो बताया है निगम, निगम कहते हैं वेद को। नीनि से सेना अ असे सेना गमयति पुरुषार्थ चतुष्टय निगम इति वेदा। वो वेद निगम को ही कह रहे हैं, इसलिए यह निगम का अर्थ है जितने। और इस मंगलाचरण में जो अर्थ परक व्याख्या है उसमें निगम का अर्थ है जितने भी वेद शास्त्र आदि समस्त उपनिषद के समेत समस्त जो धर्म ग्रंथ इत्यादि हैं, सारे वेद वेदांत उपनिषद इत्यादि समस्त का जो सार है निगम शब्द वह श्रीमद् भागवत जी के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित है। इसलिए निगम शब्द का गुरुदेव ने यही बताया है। निगम कल्प तरूर, यह कल्प कल्प वृक्ष है। कल्प तरूर तरु कल्प कल्प तरु, इसीलिए कल्प तरु ये समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है कल्प तरु। और गुरुदेव ने यह भी बताया था कि ये ग्रंथ भी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है और वैष्णव की सेवा भी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। इसलिए वांछा कल्प तरु कृपा संग्रह, इसलिए ये कल्प तरु है। उसके बाद है गलितम फलम, गलितम फलम, गलितम फलम का बताया है कि गलितम फलम है। गलितम मतलब अगलितम, गलितम फलम। गोपी प्रेम जो है वही इसका सार है, गोपी प्रेम जो है वही इसका सार है। इसका रस जो है इस फल का वह गोपी प्रेम ही है, गोपी प्रेम ही इसका फल है, गोपी प्रेम इसका फल है। कहते उसका जो रस है, कहते राधा कृष्ण का सेवा रस इसका रस है। फल तो गोपियों का प्रेम, उसका जो रस है राधा कृष्ण का प्रेम रस ही इसमें रस है। गोपी प्रेम जो है वो फल है और जो राधा कृष्ण का जो सेवा का जो रस है, जो राधा कृष्ण की सेवा से जो रस का रस रस का रस की अनुभूति होती है वही इसका जो है वो रस है। तो इसलिए निगम कल्प तरूर गलितम फलम। और एक और ये जो गोपियों, ये जो गोपियां हैं ये सारी कहते हैं ना निगम कल्प तरूर गलितम, ये वेद रूपी ऋचा जो है, वेद की जितनी भी ऋचाएं हैं उन्होंने तपस्या करी है। जब तपस्या करी है तो उसके बाद जो है ये गोपी रूप में आई है। तो ये गोपी रूप में ये जो वेद की प्रत्येक ऋचा है यही गोपी रूप में आई है। इस कारण से क्योंकि इन्होंने प्रभु को संतुष्ट किया है, इस कारण से जब प्रभु ने कहा ठीक है तुम कृष्णा जब मैं आऊंगा लीला करने के लिए तब तुम समस्त वेद की ऋचाएं गोपी रूप में आओगे। इसीलिए सारी की सारी जो गोपी है इनमें से बहुत सारी गोपी जो है वो वेद की ऋचाएं है। ठीक कह रहा हूं ना जी, वेद की ऋचाएं। उसके बाद है अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पे रस की बात करी है वह अधरामृत, हरि अधरामृत की बात करी है। वैसे तो और इसको कौन पी सकता है, इसको शुक ही पी सकते हैं। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, क्यों? क्योंकि वही पी सकता है जो इसका रस, वही पिला सकता है इसको जिस जो स्वयं जिन्होंने इस रस की अनुभूति करी। इसलिए व्यास ने शुक को, व्यास के द्वारा शुकदेव को यह रस जो है वो पिलाया गया, इसलिए शुक मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम। जो बताया ना कृष्ण का आधार अमृत कौन पान कर सकते, बोले गोपियां ही पान कर सकती, वही लोग ही पान कर सकती है। इसलिए गोपियों ने ये सब ऋचा बन करके आई, इसलिए गोपियां पान कर सकते, रस कृष्ण आधार अमृत है, सो गोपियां ही पान करते। इसका मतलब यद्यपि
ये रस को सभी पान करते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ रूप में ब्रज गोपियां ही रस को पान करती हैं। ये जो हरि अदरामृत है, ये इस रस को केवल गोपियां ही पान कर सकती हैं, और ये यही जो है यही सर्वश्रेष्ठ रस है ना मतलब, यही सर्वश्रेष्ठ जो है वो रस है। अच्छा, शुक मुखाद, ये राधा जी के तोते हैं, शुक मुखाद, मुख से, इनके मुख से ही प्रकट हुआ है, शुभ मुखाद, राधा जी ने ही इन पर कृपा करके जो है इस रस को इनको प्राप्त कराया है, इसलिए इनसे ही श्रीमद् भागवत जी है ये रस का जो है वितरण हुआ है परीक्षित तक। शुक मुखाद अमृत द्रव सिंह। और एक और बात है, शुक मुखाद मतलब, शुक मतलब तोता, ये राधा जी के तोते हैं, और जो तोता होता है वो कल्प जो भी वृक्ष होता है उसमें सबसे ऊंची वाली डाली पर रहता है जो तोता होता है, तो इसलिए तोते को कोई ऐसे साधारण तरीके से देख नहीं सकता, वो बहुत ऊंची डाली में होता है। और जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनकी परंपरा में जो होते हैं वही उनको पान करा सकता है, जैसे व्यास से शुक, वहां पे ब्रह्मा जी, श्री भगवान से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से नारद, उसके बाद व्यास, व्यास से फिर शुक, ऐसे ही गुरु परंपरा में ही इसका जो है पान करा जा सकता है। और ये जो फल है ये कभी भी, ये फल जो है निगम कल्प तरोणु गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुमुरहु रसिकाभुवः, ये जो फल है इसके अंदर ना ही कोई गुठली है ना ही छिलका है, ये कंप्लीट रसम फल है, पूरा का पूरा रस का जो है वो फल है, इस कारण से इसके अंदर कोई भी ना छिलका है ना गुठली है। जैसे जैसे गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया था, जैसे नारियल है, नारियल के अंदर हम लोग कैसे पीते हैं उसके अंदर पाइप लगा करके, वैसे ही हम लोग जो है इस रस का पान कैसे करेंगे, जब तक हम गुरु परंपरा से इसको पान नहीं करते तब तक इस रस को पान करना ना तो हमें आएगा ना हमें इस रस का आस्वादन प्राप्त होगा, इस कारण से ये। और एक और जीव गोस्वामी पाद ने कहा है कि ऐसे कुछ फल हो, ऐसे कुछ वृक्ष होते हैं जो कि बीज को बो करके नहीं उत्पन्न होते, जैसे पीपल हुआ, क्या कहते हैं ये वट वृक्ष हुआ इत्यादि, ये कैसे होते हैं, जब चिड़िया जो है वो जब बीट करती है तो उस बीज से वो बीज जब गिरता है, गिरने के बाद वो वृक्ष जो है वो प्रस्फुटित हो जाता है कहीं भी, तो ऐसे ही गुरु परंपरा में इसको ऐसे नहीं कि खुद पढ़ पढ़ा के जो है वो अर्थ कर दिया और पढ़ करके ऐसे कहीं से सुनसान आए और सुन करके अर्थ परक पढ़ लिया कि भाई हम तो श्रीमद् भागवत जी हैं और इसको लिया खोला और इसका क्या है, श्लोक पढ़ गए अर्थ पढ़ गए हो गया खत्म, पर ऐसा है नहीं। जब तक गुरु परंपरा के अनुगत तो होकर के गुरुदेव से, और गुरुदेव को भी उनके गुरुदेव से प्राप्त हुई यह दिव्य प्रसादी जो है श्रीमद् भागवत जी की, जब तक हम उनके द्वारा कानों से सुन करके, और एक और बात गुरुदेव ने बताई थी, अगर हम ये रस एक अलग विशेष रस है, अन्य अन्य प्रकार के जब हम लोग रस का आस्वादन करते हैं तो वह मूत्रादि के स्वरूप में वो निकल जाता है, क्योंकि मल और मूत्र इत्यादि जो हम भक्षण करते हैं, जो भी सारे के सारे रस है, चल चल बचो शिलई है वक्ष भोज्याम नदिक्त कड़ी कसाय मधुर इत्यादि समस्त रसों को हम लोग जब लेते हैं तो वो क्या होता है, उसके बाद उसका मल ही बनता है और रस का जो है वो मूत्र बनता है, परंतु ये रस ऐसा है जिसको मुख से पान नहीं करेंगे, जिसको कर्ण से पान करेंगे, कर्ण पुटेश संप्रतम, कर्णों से पान करेंगे, और जब कर्णों से पान करेंगे तो यह रस जो है ना ही किसी अन्य और इसके अतिरेक जो पदार्थ है उससे बाहर निकलेगा, यह सीधा का सीधा हृदय में पहुंचेगा, ये गुरुदेव ने बताया था, इस कारण से ये जो रस है इसको हम लोग कानों से, इसलिए जिस मुंह से जो चीज लेते हैं वो अंदर हम नहीं रहेगा वो निकलेगा, लेकिन कान से जो चीज लेते हैं वो कभी निकलेगा नहीं, निकलेगा। तो इस कारण से पिबत भागवतम रसमालय, पिबत भागवतम रसमालय। अच्छा, रसमा मतलब यहाँ पे जिनको स्वामी पाती का रसमा इति राधा तस्य लयम, जो श्रीमद् भागवत जी है इसलिए क्योंकि श्री जी का मन है तो तस्मा इति राधा तस्य लयम, श्री राधा रानी का जो मन है, और आलय मतलब ये रस का आलय है, यानी श्री राधा रानी का जो श्री राधा रानी है उनके द्वारा जो ये जो श्री कृष्ण सेवा रूपी जो राधा कृष्ण सेवा रूपी जो रस है वह रस हमें श्री गुरु परंपरा के अनुगत होकर के ही वह श्रवण करने से लाभ होगा और उसको कहने से भी लाभ होगा, इस कारण से पिबत भागवतम रस। अच्छा, मुहुरा मतलब
ऐसा नहीं कि एक बार पान कर लिया कि भाई एक बार पान कर लिया तो हो गया, ऐसा नहीं। इसको बार बार, ये रस ऐसा है जो बार 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 अलग अलग अनुभूतियां कराता है। इसका अलग अलग स्वाद होता है बार 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 बार, इस कारण से मुहूर्त हो बार 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 इसका कहना। और इसमें लिखा रसमालयम, आलयम मतलब साधारण लोग जो है वो साधारण लोग इसका अर्थ करते हैं। जैसे कोई और भागवत जी करते हैं तो बहुत सारी जगह पे लिखा आलयम मोक्ष पर्यंतम आलयम सा अर्थ भी दी जाते, पर यहाँ पे मोक्ष पर्यंतम नहीं, यहाँ पे आलय आलयम मतलब, यहाँ पे आलय आलयम मतलब जब तक हमें श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी तक पहुंच नहीं जाते, मतलब वो लोग तक की प्राप्ति तक भी इसको पान करना है। इसीलिए ये आलय शब्द का प्रयोग किया, रसमा इति राधा तस्य लयम। ये श्रीमद् भागवत जी जो है ये वो रस है जो श्री राधा कृष्ण की सेवा का अनुपम और दिव्य रस है, इससे बड़ा कोई रस नहीं। इसीलिए मुहूर्त, अच्छा रसिका भूमि भाविका, रसिका इसको कौन पिला सकता है और कौन पी सकता है? रसिका जो रसिक है, रसिक मतलब जो गुरु परंपरा द्वारा उस रस का जिन्होंने भक्षण किया है, जिन्होंने उस रस का आस्वादन किया है, वही इसको पिला सकते हैं रसिका। और वो कैसे होता है? भूमि भाविका, भाव संवर्धन जो होता है उनके अंदर उत्तर उत्तर बढ़ता रहता है रसिका भूमि भाविका। और एक और बात है, इस जगत में तो यह पॉसिबल नहीं है। क्यों इस जगत में ये पॉसिबल क्यों नहीं है रसिका भूमि? क्योंकि ये जो ये चीजें हैं ये सारे की सारे प्रभु कृपा से ही प्राप्त होती है। हम लोग सोचते हैं कि हमें हम रसिक बन जाए भावुक बन जाए, पर ऐसा नहीं है। यह सब साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा जो है वो कोई कोई ही पा सकता है। इस कारण से यह स्वयं आस्वादन करने वाला। अच्छा एक गुरुदेव ने एक बात और बताई थी, ये आस्वादित है और आस्वादनीय है, इसको आस्वादन करना भी गुरु परंपरा से और इसको आस्वादन कराना भी गुरु परंपरा से ही है। इस कारण से ये उत्तम उत्तम श्रीमद् भागवत जी का जो रस है वह उत्तम उत्तम है। यही इसका आ जाओ, क्या कोशिश करो है बनने करो। अच्छा तुम तो अब बोलो भागवत आधार को भगवान ही हां श्री भागवत के आधार है। हां हां ठीक है। हां गजब नमस्ते गुरुदेवा।